दोस्तों आज की वीडियो में हम रिचार्जेबल बैटरी को चार्ज करने का एक जुगाड़ बनाने वाले हैं, जो कि अपने घर के कबाड़ से बनाएंगे अपन, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो देख सकते हो मेरे पास 3 बैटरी पड़ी हुई है रिचार्जेबल, तो इसे चार्ज करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो अपन बनाएंगे जुगाड़। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले चाहिए एक USB केबल, जिसकी मैंने एक पिन काट दी आगे वाली, और ये आपके पास भी मिल जाएगी। इसके बाद एक मोबाइल होल्डर लेना है अपन को। तो देख सकते हो आपके पास कोई मोबाइल होल्डर पड़ा हुआ तो आप ले लेना, मेरे पास कबाड़ में से पड़ा था, मैंने ले लिया। तो ये दो पत्ती लेनी है अपन को प्लस माइनस वाली, तो आपके रिमोट में या घड़ी में आपको मिल जाएगी आसानी से, एक स्प्रिंग वाली एक बिना स्प्रिंग वाली, तो दोनों ले लेनी है आपको भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो बैटरी को साइड में रख देते हैं, सबको साइड में रखकर सबसे पहले अपन करेंगे क्या, इन दोनों को सोल्डिंग करेंगे जो अपनी USB केबल है, और इन पत्तियों को दोनों को सोल्डिंग कर देंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले सोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका रेड वायर है तो वो अलग में से, तो जो स्प्रिंग है तो उसमें स्प्रिंग अपनी जो स्प्रिंग वाला है उसमें क्या, अपने वाइट तार को शोल्डिंग कर लेना आपको, और जो रेड वायर है वो अपने बिना स्प्रिंग वाले में करना है शोल्डिंग। तो देख सकते हो मैंने एक शोल्डिंग कर ली है, अब दूसरी वाली शोल्डिंग भी कर लेता हूँ मैं इस फटाफट। तो ये देख सकते हो मैंने रेड वाला वायर भी प्लस वाला वायर इसमें शोल्डिंग कर दिया है। तो इस तरह आपको भी शोल्डिंग कर लेना है, तो इससे होगा कि आपको अभी पता चल जाएगा बैटरी जब अपन चार्ज पर लगाएंगे, ताकि ये आसानी रहेगी उससे। तो मैंने ये शोल्डिंग कर ली है अपना, देख सकते हो दोनों शोल्डिंग हो चुकी है। इस तरह आपको भी शोल्डिंग कर लेनी है। अब शोल्डिंग करने के बाद हमें क्या करना है देख सकते हो आप, तो हमें डबल साइड टेप लेनी है, तो वो मेरे पास है डबल साइड टेप है, तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं अपन, ताकि अपनी जो पत्ती है इसे चिपका सकें। तो चलिए मैं काट लेता हूँ कैंची से फटाफट, और आपको दिखाता हूँ इसे काट कर। तो अपन चिपकाएंगे मोबाइल के होल्डर में इन दोनों पत्तियों को इसकी मदद से, डबल साइड टेप की मदद से। आप ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हो, लेकिन अपने पास नहीं है अभी, तो अपन डबल साइड टेप ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आसानी से वर्क करेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे काट लेते हैं, आप चिपकाएंगे अपने मोबाइल होल्डर में। तो चलिए अपन अपने मोबाइल होल्डर को ले लेते हैं इतने में, और अपन वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो आप, ताकि अपनी वीडियो मिलती रहे आपको। तो चलिए इस तरह से यार दोनों में अपन को चिपका देना है डबल साइड टेप, और डबल साइड टेप चिपका कर इसके ऊपर का कांच को खोल लेना है। चलिए मैं भी खोल लेता हूँ, ताकि अपन दोनों पत्तियों को चिपका सके आसानी से। तो चलिए अपन खोल लेते हैं इन दोनों कागज को, और इस तरह से आपको खोल लेना है दोनों को, ऊपर के कागज को और फिर पत्ती को चिपकाना है। आप शोल्डिंग करते वक्त अपन ध्यान रखिए यार शोल्डर, क्योंकि मेरा अभी शोल्डिंग से अभी थोड़ी सी चोट लग गई थी, जल चुका था उंगली, तो आपको भी ध्यान रखना है। मैंने ध्यान नहीं रखा था वीडियो के चक्कर में, इसलिए आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपको देखना है, और चिपका कर आपको, आप चिपकाने से पहले एक बात याद रखिए, आप जिस तरह से मोबाइल होल्डर आप खींच सकते हो उस तरफ से आपको चिपकाना बिना स्प्रिंग वाली। तो अपन स्प्रिंग वाली दूसरी साइड में चिपका देते हैं, तो इस पत्ती को चिपका दिया मैंने स्प्रिंग वाली पत्ती को इस साइड में, और बिना स्प्रिंग वाली पत्ती को इस तरफ साइड से चिपकाना आपको, ताकि आपको बैटरी लगाते समय आसानी होगी। चलिए मैं अभी आपको बैटरी लगा कर भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपको बैटरी लगानी है। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह से आपको चिपका देना है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको एक टेप से चिपका देना है यहाँ के वायर को भी, ताकि यह वायर हिले नहीं, क्योंकि हिलेगा वायर अपना तो अपनी जो पत्ती है वहाँ से तार टूट भी सकता है। इस तरह से आपको टेप से चिपका देना है, मैंने भी टेप से चिपका दिया। अब अपन करेंगे क्या, बैटरी को इसमें अटैच करेंगे। उससे पहले USB केबल को चार्जर में फिट कर देते हैं, ताकि अपन लाइट में इसे लगा सकें। तो आपको भी एक चार्जर ले लेना है, और चार्जर की मदद से आपको इसे अटैच कर देना है। तो आप अपनी जो बैटरी है इसे अपन इसमें फिट करेंगे। तो बैटरी को फिट करने का देख सकते हो आप, जो आप प्लेन जो बैटरी का जो प्लेन हिस्सा होता है वो आता है माइनस का, और जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो माइनस वाला प्लस वाला होता है। तो इस तरह आपको खींच कर इसमें फिट कर देना, आसानी से फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ तक। और कुछ भी पूछना आप कमेंट कर सकते हो, आपकी कमेंट का जवाब अपन तुरंत देंगे यार, तो पूरा दिन आपका भाई ऑनलाइन बैठा रहता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है अपन रिप्लाई कर देते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से आपको बैटरी और अपना जो चार्जर है लगा देना है लाइट में, और आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी आधे से एक घंटे के अंदर। तो ये तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, आपके पास भी कोई आइडिया तो आप शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।